आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के मुजेसर इलाके में स्थित थर्मल पावर कंपनी के ग्राउंड में बीते मंगलवार की देर शाम एक 2 वर्षीय बच्ची का कफन में लिपटा हुआ शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर मुजेसर पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के बीके अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि बच्ची कहाँ की रहने वाली है और किसने उसे यहाँ पर फेंका है, इसकी जाँच की जा रही है। क्या है मामला, किसकी बॉडी है? कोई बच्ची है 2 साल की, उसकी डेड बॉडी मिली है और उसके जो एक सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई है, शायद किसी हॉस्पिटल में उसकी डेथ हुई है। उसमें MRD नंबर भी लिखा हुआ है और उसमें 13 तारीख लिखी हुई है, 13/4/2024। बच्ची को एडमिट कराया है 12:45 पे और उसी डेट में ही 13/4/2024 को ही उस बच्ची की डेथ हुई है, रात को 9:15 PM पर जी। और उस पर स्लिप लिखी हुई है, स्लिप के ऊपर लिखा हुआ है बच्ची का नाम सृष्टि कुमारी लिखा हुआ है, फादर नेम विशाल सिंह है, एज 2 साल है। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हो सका है कि बच्ची को वहां क्यों डाला गया, क्यों नहीं डाला गया। ये मिली है मुजेसर के एरिया के में थर्मल पावर, जहां पहले था वहां पर सिस्टम झाड़ियां हैं, उन झाड़ियों में बच्ची मिली है। सूचना कैसे मिली थी? सूचना वहीं पर कोई इसी राह चलते आदमी ने सूचना दी है कंट्रोल को, कंट्रोल से सूचना हमारे पास आई थी जी। तो आने के बाद हम मौके पर मैं आया था, SHO साहब भी आए थे और हमारा पूरा स्टाफ आया था, वो जाके उनको देखा है। वो देखने के बाद बच्ची को जो है ना अभी डेड हाउस में हमने करा दिया है, रखवा दिया है और सुबह इसका पोस्टमार्टम कराएंगे। तो अभी पहचान नहीं, ये पता नहीं चल पाया कि बच्ची कहाँ की है, कौन लाया था, ये उसके लिए क्या कार्रवाई की? अभी ये कुछ नहीं क्लियर हो चुका है, इसके बारे में तस्दीक जारी है, जैसे कुछ पता चलेगा बता दीजिए। लोगों से क्या अपील है, अगर कोई पहचानता है इस बच्ची को पिता